शांतनु मुखर्जी, जिन्होंने अपना करियर एडवर्टीजमेंट्स के जिंगल्स गाकर किया था। फिर इन्होंने कवर वर्जन्स भी गाए और रिमिक्सेस भी, जैसे रूप तेरा मस्ताना। कई एल्बम्स भी थी, जैसे अक्सर, लबोलॉजी, क्यू फंक और तन्हा दिल। साथ बहन सागरिका का भी था। और फिर जल्दी वो वक्त आया जब प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम इन्होंने रखा। मैं बात कर रही हूँ जिन्हें हम जानते हैं शान के नाम से। आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगे कहाँ। क्या उलझन थी शान के मन में जब वो पहली बार फिल्म फना में आमिर खान के लिए गा रहे थे, और क्यों थी ये उलझन, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। एक ऐसा गीत जिसने शान की सिंगिंग की, उनके हुनर की शान को और बढ़ा दिया था। हालांकि बहुत से गीत हिट हो चुके थे, लेकिन इस गीत ने इनकी पहचान को और भी खास कर दिया था। फिल्म थी 2006 की फना, जिसमें म्यूजिक जतिन ललित का था और ये गीत फिल्माया गया आमिर खान पर। काजोल यानी जूनी के लिए ये गाना गाया जाना था। शान कहते हैं, जब मुझे ये मालूम हुआ कि मैं आमिर के लिए गाने वाला हूँ तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी तक जब भी आमिर को लिपसिंग करते हुए देखा तो ज़्यादातर उदित नारायण को ही सुना था। ये पहला गीत था जो शान आमिर के लिए गाने वाले थे, तो फिर क्या करूँ, कैसे गाऊँ कि अलग लगे, ये उलझन थी शान के मन में। और फिर जो गाने की डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो भी ये थी कि कैरेक्टर सचमुच प्यार में नहीं है, कोशिश कर रहा है पोर्ट्रे करने की, गीत रोमांटिक भी लगना चाहिए। अब इन्होंने अपनी इस कश्मकश को ललित के साथ शेयर किया, जतिन ललित की जोड़ी में से ललित जी। ललित जी ने कहा, तुम मत सोचो कि आमिर के लिए गाना है, क्योंकि वो सोचोगे तो फिर उदित जी का ख्याल आएगा। तुम सोचो कि तुम एक नए चेहरे के लिए गा रहे हो, एक फ्रेश फेस है, सिचुएशन वही है। शान ने बिल्कुल वैसा किया, गीत बहुत पसंद किया गया और आज भी किया जाता है। इसमें शान के साथ कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी थी और इस गीत के लिए शान ने और कैलाश खेर ने जीता था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का। ये फिल्म म्यूजिक कंपोजर्स जतिन ललित की भी जोड़ी के रूप में आखिरी फिल्म थी। एक फिल्म शान के करियर में बहुत खास रही थी, इसका एक गीत आज भी अगर शान के कुछ खास गीतों की बात होती है तो ये उनमें जरूर शामिल होता है। शान फिल्म इंडस्ट्री में अभी शुरुआत कर ही रहे थे। फिल्म थी 1999 की, प्यार में कभी कभी। शान के इस फिल्म में दो गाने थे, जिसमें से पहले जो रिकॉर्ड हुआ था वो था मुसु मुसु हासी देव मलायलाए, मुसु मुसु हासी देव। जो असल में होना चाहिए था, मुसु मुसु हासी देव ना लायलाए, मुसु मुसु हासी देव। इस गाने की रिकॉर्डिंग करते वक्त किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग हो गई तो वहां पर एक नेपलीज प्रोडक्शन में थे, वो आए और उन्होंने कहा कि ये ना लाए लाए है, मा लाए लाए नहीं है। तो फिर अब शान कहते हैं, मैं और विशाल यानी जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया, हम तो बड़ी शान से सोफे पर बैठे बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है, पर अब क्या करें, बस रहने दिया इस गीत को ऐसे ही। इस गीत को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म के साथ जुड़ी एक और बात भी है, कहा जाता है कि इस फिल्म में पूरे अगर कास्ट एंड क्रू की बात की जाए तो लगभग 300 लोगों ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। अगर सिर्फ म्यूजिक की ही बात करूं तो कई लोगों ने शुरुआत की, जैसे सिंगर महालक्ष्मी अय्यर, इन्होंने हिंदी फिल्म के लिए पहली बार गाया था, इसी फिल्म से शुरुआत की थी। कंपोजर सलीम सुलेमान पहली बार म्यूजिक दे रहे थे। विशाल ददलानी कंपोजर के तौर पर शुरुआत कर रहे थे। शेखर रवजियानी कंपोजर और सिंगर के तौर पर शुरुआत कर रहे थे। और के
उन्होंने भी इसी फिल्म से शुरुआत की थी। एक और बात बताऊं, शान ने पंचमदा के लिए भी गाया है। वो सिर्फ थी तो एक ही लाइन, लेकिन हाँ पंचमदा के साथ नाम तो जुड़ा है। फिल्म परिंदा जिसमें एक गीत था, 1989 की ये फिल्म थी, कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, उसमें एक कैरेक्टर के लिए आवाज़ मैच नहीं हो रही थी, बचपन का कैरेक्टर था वो, तो शान को वो एक लाइन दी गई। ताकत से डरेगा हर आदमी हमारी। शान कहते हैं, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने पंचमदा के लिए गाया है। शान न सिर्फ सिंगर है बल्कि लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं। इन्हें टेलीविजन पर होस्ट के तौर पर भी देखा गया, जज के तौर पर भी देखा गया। यकीनन शान ने अपना नाम यादगार नामों में शामिल किया है।